सर इदा है, स्पैशल टास्क फोर्स बार्डर रेंज ने पिछले करीब 7-8 दिन तो असी पांच परचे दर्ज किए हैं, जिस बस वक् वक् जो प्रगति हुई अचीवमेंट्स हुई ने, जिद 22 किलो 500 ग्राम हीरोन फड़ी है, और जिद दो जेल इंप्लाई है, तो बाकी दूजे प्राइवेट मुलजम ने, और ये 1,04,00,000 की जी है वो प्रॉपर्टी सीज कराई हैगी समगलर ने। सो ये पिछले 7 दिन की अचीवमेंट सी जी अज तू तकलीफ दी है बुलाया है, तो ये 22 किलो 500 ग्राम हीरोन जी है स्पैशल टास्क फोर्स बार्डर रेंज ने वक् वक् परचियों तो जी है वो गिरफ्तार रिकवर की हैगी है, जिद इन्वेस्टिगेशन जी चल रही है, और ये FIR नंबर 1260 और 1262 दे विच 5-5 किलो रिकवरी है जिड़ी कि ड्रोन राही आई सी, और भिखीबिंड एरिया और इधर हैगा दूजा एरिया सराय मानसका एरिया जिद रिकवर की है, किलो किलो के दो ऑपरेशन ने, तो इस तरह होर भी ऑपरेशन है जी कुल मिला के साड़ी जी 22 किलो 500 ग्राम जी रिकवर की है। ये तकरीबन हर केस के जो मुलजम जो गिरफ्तार ने कुछ एक जो उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक वाले है, सो वो है जो कि जल्दी काबू आ जाएंगे। टोटल देखो हर परचे की है, क्योंकि 5-6 केस रजिस्टर हैं, और मेन क्यूज जो सारे रजिस्टर ने, ये एक हैड वार्डन सी रिशपाल सिंह, और एक वार्डन सी जेडे के बाहरों हीरोन लैके और सेंट्रल जेल अमृतसर के सप्लाई करते, जिन्हों के मौके पर ही रंगे हाथी फड़िया गया और उन्होंने को रिकवरी भी की। हाँ जी, रिशपाल सिंह तो एक सुबेर सिंह। सो ये ये जरा एक ऑपरेशन असी किया 200 नंबर हैगा FIR 260 नंबर FIR जी के कंतान एरिए जरा ऑपरेशन होया सी, उहदे च स्पैशल जी गल दसण वाली आ कि 2017 दे विच एक नैटवर्क ब्रेक किया सी जिहदे च शमी गैंग सी निहाल किलचे दा फिरोजपुर दा, सो उहदा छोटा भरा ही है जिहड़ा हुण गिरफ्तार होया, और 2017 दे विच वी इहनां दे खिलाफ़ 2 परचे होए सी जिहदे विच काफ़ी मात्रा च इहनां कोलों इंडियन करंसी और 7 किलो हीरोन फड़ी गई सी, जिहड़ा कि शमी हैगा जगिंदर सिंह शमी वो जेल च आ, सो ये उहदा छोटा भरा सी जिहड़ा अरैसट होया। हाँ जी, इन्हें तकरीबन ये तो सारे उन्होंने खिलाफ काफ़ी परचे दर्ज है, जरा 260 नंबर परचा तुम दसिया, ये सारी फैमिली इस काम से इनवॉल्व सी, और ये जो हम फड़िया सोनू सिंह ये खिलाफ ही काफ़ी परचे दर्ज ने, और ये उदो माइनर का सर्टिफिकेट बना के तो बेल बूल की जरा फेवर लै गया, सो हमने दोबारा जरा है इस धंधे देखो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जी रिकवरी हुई है नो डाउट कि वो ड्रोन राही ही हुण सप्लाई आ रही है, सो ड्रोन आउंदा वा सक्सैस भी हो जाता, VSO भी बड़ी मुस्तैदी नाल ड्यूटी कर रही है, सो उन्होंने भी कामयाबियां मिलियां ने, सो इन्हां दा स्टिल कोई अजे नहीं हैगा प्रीलिमिनरी स्टेज ते, और गां इन्वेस्टिगेशन दे विच क्योंकि ये हुण नारको जिहड़ा ये बन गया होया टैररिज्म, सो इन्हां दा हुण इकट्ठा ही है काम, गैंगस्टर प्लस समगलिंग जिहड़ी है ये चीज़ इकट्ठी होनी चाहिए। जेल दा नैक्सस तुसीं दस्सदे जी 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 बिल्कुल होणगीआं, बट वो अजे इन्वेस्टिगेशन इन्हां दी चल रही है, इंटरोगेशन ही इन्हां दा अजे रिमांड लिया है 2 दिन का,
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਦੀ ਜਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ 'ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਮਹਿਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈਕ ਆਫ ਫੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟਲੀ ਔਰ ਥਾਰੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਕੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ DSP ਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਮੋਡਸ ਬ੍ਰੈਂਡ ਆਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਛਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।